Let's start with the MCQ question answers or revision part. A brown substance A on heating in air forms a substance B. कहते एक सब्सटेंस ए है जब आप उसको हीट कर रहे हो एयर में तो वो बी में कन्वर्ट हो रही है एंड ए इज ब्राउन इन कलर. व्हेन हाइड्रोजन इज पास्ड ओवर हीटेड बी, बी में जब आप हाइड्रोजन गैस पास करोगे इट चेंजेस बैक टू ए, ये दोबारा ए में कन्वर्ट हो रही है अगेन. ओके, what are a and b, what are a and b, sirf color ka hint diya hua hai aapko aur ye reaction bahut familiar hai. Sodium hota hai brown color ka, sodium to silver gray color ka hota hai. Options nahi hai abhi aapke paas. Acha, options main aapko de deti hu, silver, मैग्नीशियम, कॉपर और जिंक. सो द ए इज कॉपर. ए से बी कैसे बना होगा, व्हाट विल बी द बी, हीट करके क्या बना फिर उसका, कॉपर को हीट करोगे तो क्या बनेगा, बोल राघव, और इसमें से जब आप हाइड्रोजन गैस पास करवाओगे दिलप्रीत, व्हाट विल हैपन व्हेन यू पास हाइड्रोजन गैस फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड, है कौन सा ब्राउन कलर आएगा, उन्होंने कहा है कि दोबारा आपके पास ए बन रहा है. ए क्या है बेटा, क्वेश्चन ध्यान से सुन लो. चलिए राइट डाउन द नेक्स्ट. ओके, सी दिस क्वेश्चन नाउ. You are given four reactions, okay, and you have to arrange the metals A, B, C, D in their descending order of reactivities. Descending मतलब सबसे ज्यादा किसकी होगी, ठीक है, फिर कम कम कम. ओके, मास्क पहन लो. डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ए बी सी डी. डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज्यादा किसकी है, फिर छोटे, छोटा छोटा. अच्छा, पहले सी आएगा, सी की सबसे ज्यादा इतनी शांति है राघव, देख तो बोल नहीं रहा. दिलप्रीत, चमरप्रीत, सपोज पेपर में बैठे हो आप और ये क्वेश्चन आया, फिर कैसे अटेम्प्ट करोगे इसको. हाँ जी, एक दो तीन चार,
एनीवन एक्सेप्ट राघव? 3 4 कहां पर है? मैं तो एबीसी बोल रही हूँ, मुझे ए बी सी डी की रिएक्टिविटी चाहिए, मेटल की रिएक्टिविटीज हैं। बेटा आंसर शुड बी लाइक दिस, कि यहाँ पहले ए लिख रहे हो फिर बी सी डी, ऐसे करके आंसर है। हाँ फिर फर्स्ट सेकंड मत बोलो ना, ए बी सी डी बताओ फिर। बी, बी की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी है। अच्छा डी की सबसे ज्यादा, देन बी। ओके ये ऑर्डर है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। एनीवन एल्स? और कोई? सी बी ए डी। ओके सिमरप्रीत आपके अकॉर्डिंग बेटा? बी ए डी सी। सिमरप्रीत बोलो, कहीं से तो करेक्ट आंसर आएगा, कोई तो करेक्ट होगा इसमें से, बोलो सिमर। हाँ जी दिलप्रीत? अच्छा ए सी डी डी में, चलो सिमर सी ए बी डी। एक दो तीन चार पाँच छह सात बच्चे हैं और पांच रिस्पॉन्सेस आ गए, सिमरप्रीत और राघव। अच्छा तुम्हारा पहले डी है फिर भी, सिमरप्रीत बोलो बेटा, राघव लैंड लास्ट में बताएगा। चलो कुछ भी बोल दो, वो कौन सा सही आंसर बोल रहे हैं? आपको क्या लगता है इसमें से जो लिखे हैं करेक्ट हैं, जब तुम इतना सोच सोच के बोल रहे हो? बोलो चल राघव बोल अब लास्ट में। एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, आप देखो कैसे पहली रिएक्शन है जहां पर ए और बी जो है, बी का सॉल्ट सॉल्यूशन है, सल्फेट सॉल्यूशन है, ठीक है। यहां से ए ने बी को डिस्प्लेस कर दिया, इसका मतलब क्या है कि इस रिएक्शन से हम ये देख रहे हैं कि ए जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू बी, ए की रिएक्टिविटी ज्यादा है बी के कंपैरेटिव में। अब ए की हम डी के साथ भी कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास ए और डी का भी सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो यहाँ से ए ने डी को भी रिप्लेस कर दिया है, इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो डी से भी स्ट्रॉन्ग है या ज्यादा रिएक्टिव है। अब बात आ गई सेकेंड की, ठीक है। अब ए तो हमें पता चल गया, अब इसके बाद बी सी और डी की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो बी और सी का जब सॉल्ट सॉल्यूशन है नाइट्रेट, ठीक है, तो यहाँ पर बी और सी में से ये बी ने इस सी को रिप्लेस कर दिया, यानी कि बी इज मोर रिएक्टिव देन सी ऑल्सो। क्लियर हुआ? बी जो है वो सी से ज्यादा रिएक्टिव है तभी ये रिएक्शन पॉसिबल हुई। अब ये वाली रिएक्शन में देखो, अब यहां पर आपको लगता है कौन ज्यादा रिएक्टिव है, विच इज मोर रिएक्टिव? डी और बी में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है? डी ज्यादा रिएक्टिव है, ए सबसे ज्यादा हो गया, उसके बाद डी हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद बी एंड देन सी, क्या नहीं? बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज ए जो है वो बी से भी स्ट्रांग है, ए जो है वो डी से भी स्ट्रांग है, तो ए पहले लिख दिया हमने। अब हम डी को कंपेयर करें तो डी जो है वो बी से ज्यादा है, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट इज द डी, फिर बी की बात करें, ओके, तो बी जो है वो सी से ज्यादा है तो लास्ट वाला लिख दिया, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट राइट डाउन
Which of the following statements, write down, which of the following statements, they are true. इसमें से आपने बतानी कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है. एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू, फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, डीकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, डीकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड. एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू. लिख लेते होते हैं बेटा, कॉपीज खोल लो थोड़ा सा. वो भी ऑपोजिट पड़ी पकड़ी है. रिपीट करो तो लिखो ना फिर साथ में. एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे. एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे. Due to first is formation of silver by silver chloride, by the decomposition of silver chloride, formation of silver by the decomposition of silver chloride. Second is sublimation of silver chloride. Third is decomposition of chlorine gas from silver chloride. And the fourth is oxidation of silver chloride. The fourth is oxidation of silver chloride. हाँ जी, क्या आंसर है राघव? तुम पहले बोलो अपना. फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है आपकी. मैंने नहीं बोला फर्स्ट और फोर्थ की भी कोई ऑप्शन नहीं. ऑप्शंस आर फर्स्ट ओनली, फोर्थ ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड. फर्स्ट ओनली है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट लिखो. बट ऑप्शन में नहीं है ना, कॉम्बिनेशन के साथ नहीं है ना, जो आपके आंसर्स है उसमें वो पॉइंट नहीं है ना मेंशन. वन और थ्री हो सकता है बट दैट इज नॉट, नहीं है वन और थ्री. डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस, फोर्थ करेक्ट थोड़ी ना. ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड. ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमेशा एक चीज की देखी जाती है, एक चीज जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक चीज रिड्यूस हो रहा है. ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की टाइप्स नहीं है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. सबसे पहले डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, तो AgCl ले रहे हैं ना हम, क्लोरीन गैस की थोड़ी ना डिकम्पोजिशन हो रही है. आप कंपाउंड ले रहे हो, AgCl है, AgCl इज अ कंपाउंड, तो एक कंपाउंड में थोड़ी ना गैस अलग से पड़ी हुई है. AgCl कंपाउंड है ना, उस कंपाउंड की वो कह रहे हैं कि वहां से जो डिकम्पोजिशन हो रही है क्लोरीन गैस की. बट हम तो सिल्वर क्लोराइड की बात कर रहे हैं, हम तो क्लोरीन गैस की थोड़ी ना बात कर रहे हैं. तो ओनली फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. अब नेक्स्ट लिखो. बेरियम क्लोराइड, शॉर्ट में लिख लिया करो ना. बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट, पहले तो दोनों के फॉर्मूलाज बताओ. बेरियम क्लोराइड एंड अमोनियम सल्फेट का. हाँ जी दिलप्रीत, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेरियम क्लोराइड? दिलप्रीत, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेरियम क्लोराइड? बेरियम क्लोराइड
बेरियम क्लोराइड। पेपर यहाँ है, यहाँ और ऐसे हो ना, रिजल्ट के टाइम पे और पेपर के टाइम पे भी, पता नहीं कब करना है। 2 दिन तो रह गए पेपर में। हाँ जी, बेरियम क्लोराइड, वेरी गुड। आपको अभी तक बेरियम क्लोराइड के फॉर्मूला से नहीं आए हैं। सो बेरियम क्लोराइड इज BaCl2 एंड सेकेंड इज अमोनियम सल्फेट। रिएक्शन कंप्लीट करते हैं पहले। सिमरप्रीत, अमोनियम सल्फेट बताओ। हाँ जी बेटा, अमोनियम सल्फेट। नाइन्थ क्लास में मैं चीख चीख के कहती थी ना, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, टेंथ में काम आएगा। अब ये कह दो, हम नाइन्थ में भी सीरियस नहीं थे। बोल लो जी। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम, बेरियम क्लोराइड एंड अमोनियम सल्फेट। ठीक है, सो दे विल रिएक्ट टू गिव यू बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, BaSO4 बनेगा। ठीक है, और इसके साथ बनेगा NH4Cl, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। अब आपने इसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्टली रिप्रेजेंट कर रही है इस टाइप ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन, कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड कॉम्बिनेशन, ऑप्शंस यही हैं। इसमें से कौन सा करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है द टाइप ऑफ रिएक्शन को? डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन एंड कॉम्बिनेशन। दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। इज दिस अ डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन? सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? और इसके साथ भी एक और ऑप्शन है, प्रेसिपिटेशन। तू डर गया? चलो नेक्स्ट लिखो। Which of the following gases can be used for storage of fresh sample of an oil for a long time? इसमें से आप कौन सी gases use करोगे ताकि जो आपके products हैं या oil है उसको देर मतलब काफी time तक आप strong store कर सकते हो? Carbon dioxide और oxygen, first combination, nitrogen और oxygen, carbon dioxide और helium, helium and nitrogen, helium और nitrogen. हीलियम और नाइट्रोजन। चलो राइट है, नेक्स्ट बताओ। चलो तुम भी बताओ। बताओ इसमें से रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा? रिड्यूसिंग एजेंट। खड़ी हो जाओ प्रप्रीत
जिंक है रिड्यूसिंग एजेंट. ये बेसिक क्वेश्चन है. ऑक्सीजन है. सारे पीरियड खड़ी रहेगी फिर. सारे तो हो गए. तीन तो चीजें थी, जिंक था, ऑक्सीजन था या कार्बन था. दो बोल दिए, एक ही रह गया. सो व्हाट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट दैट अंडरगोज ऑक्सीडेशन. जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो कौन सा एजेंट हो जाता है? रिड्यूसिंग एजेंट. तो ऑक्सीडेशन किसकी हुई है? कार्बन की. कार्बन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन कर गई है. तो एक चीज और, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हमेशा हमने रिएक्टेंट्स में से बतानी होती है, प्रोडक्ट्स में से नहीं बतानी. ठीक है. तो अगर आपसे स्पीशीज पूछे हैं या किसकी ऑक्सीडेशन हुई है, किसकी रिडक्शन हुई है, तो वो हमेशा हमने यहां से बताने हैं. प्रोडक्ट्स को नहीं देखना है, रिएक्टेंट्स को देखना है हमेशा. ठीक है जी. नेक्स्ट लिखो. नो. चलिए नेक्स्ट लिखो बेटा. The color of pH strip turned red. मैंने ऑप्शंस बोल दी हैं आपको. चलो स्टैंड अप. The color of pH strip turned red when it was dipped in a sample. The sample could be dilute NaOH, tap water, dilute HCl, dilute NaHCO3. अब बताओ. NaHCO3. थर्ड ऑप्शन मैंने बोली है टैप वाटर. तो डाइल्यूट NaHCO3 बोल तो रही हूँ. यही वाली NaHCO3 वाली है. ये NaHCO3 एसिड है. क्या है? राघव. So the correct answer is dilute HCl because NaOH and sodium bicarbonate, they both are base and tap water is neutral in nature. Chaliye next write down. आप भी शायद बाहर ही देख रहे हो मुझे लग रहा है. Okay. Which of the following chemical properties are shown by dilute hydrochloric acid? Options are multiple choice में है. ठीक है. तो एक से ज्यादा multiple correct answers हैं. Turns blue litmus red. Turns red litmus blue. Reacts with zinc and a gas is evolved. Reacts with solid sodium bicarbonate to give brisk effervescence. हाँ जी. Turns blue litmus red. Correct है कि नहीं? तो दूसरा वाला तो फिर नहीं होगा जिसमें वो red litmus को blue कर रहे हैं. Reacts with zinc and gas is evolved. Zinc plus HCl it gives hydrogen gas. तो ये भी correct है. Reacts with solid sodium carbonate to evolve brisk effervescence. नहीं करेगी. हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम कार्बोनेट बेस है.
इट विल रिएक्ट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस दैट इवॉल्व्स विद द ब्रिस्क एफर्वेसेंस. तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ दे आर करेक्ट. ठीक है, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ दे आर करेक्ट. उसके बाद नेक्स्ट बताओ. चलो स्टैंड अप विनीत. बेकिंग सोडा इज, ठीक है, उसके बाद आपको ऑप्शंस गिवन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑन हीटिंग गिव्स कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट, ऑन हीटिंग गिव्स सोडियम कार्बोनेट, एन इंग्रेडिएंट ऑफ बेकिंग पाउडर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोप. एक से ज्यादा करेक्ट है. चलो बताओ बेटा, जब मैंने बोला था तब आप ध्यान से सुन रहे थे मुझे और दिमाग में आपके एक भी ऑप्शन नहीं गया होगा. देखना, बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इज इट ट्रू और नॉट? NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. बेकिंग सोडा ऑन हीटिंग गिव्स सोडियम कार्बोनेट, देता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हट जाएंगे, ठीक है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो साथ में निकल जाएंगे. एन इंग्रेडिएंट ऑफ बेकिंग पाउडर यूज होता है बेकिंग पाउडर्स में, इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोप. तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड दे आर द करेक्ट ऑप्शन. क्यों बेटा? चलो ये बताओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द केमिकल फॉर्मूलाज दे आर रिटन रॉन्ग. गलत वाले बताने हैं. ब्राइन इज NaCl, चलो बताओ. बस क्यों है? ऑप्शन सुनो, अब मुझे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दो. फर्स्ट एंड फोर्थ ए ऑप्शन, फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है, करेक्ट है? नहीं, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन गलत है? सेकेंड एंड फोर्थ, दोनों इकट्ठे हैं, सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड फोर्थ. हाँ जी, क्या आंसर है? ठीक है, क्यों? चलो आगे बताओ. सिट डाउन, बैठो, दोनों बैठो.
Which acid is used in the batteries of trucks and cars? Nitric, sulfuric, hydrochloric or acetic acid? Sulfuric acid is used in the batteries. ठीक है? नाइट्रिक एसिड नहीं होता. On passing carbon dioxide through a brine solution saturated with ammonia, the substance obtained is. जब आप कार्बन डाइऑक्साइड पास कर रहे हो ब्राइन सॉल्यूशन में से अलोंग विद अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया तो क्या निकलेगा? NaOH, NaOH विल बी फॉर्म्ड, NaHCO3. एक बोला मैंने NaOH, एक है NaHCO3. Na2CO3.10 water, Na2CO3.H2. हाँ जी बोलिए बेटा. इसी में से एक सिंगल करेक्ट आंसर है. NaOH बनेगा. सेकेंड इज द करेक्ट आंसर. बेकिंग सोडा बनेगा.